students, this is Shivani Kumar here, the teacher of English, and I will start the new chapter of your grammar book. Okay, so in today's video, I will start the chapter 4, and in which we have 1 and 10. Okay, so let's start. Chapter 4, 1 and 10. What is the meaning of one? One means eight. Okay, and the many, whenever we have something in more than two forms, we call many means. I think, do you guys know about the one and many from the class one? Because in the class one, we already have that chapter, one and many, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ एक हो तो one, one show करता है singularity को तो one, and many show करता है plural forms को. Look here, we have a picture. Draw the picture of words given below this. Flower and flowers. So one, for one I will draw one flower like this. Okay. And here we have like this. Here we have one flower, and it shows the singularity of a thing. And here we have two flowers, one and two, and it is showing that we have two flowers, which means we have more than one flower, and this is show the plural form of things. Flower and flowers. अगर ये singular है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? Flower. And then यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो flowers. So what is the difference between flower and flower? Flowers. तो यहाँ पे जो S है, बस वही इन दोनों में different thing है, बाकी सब कुछ same है. ओके, तो S क्या करता है, जब भी कोई चीज़ singular form में होती है, अगर हम उस singular word में S लगा दें तो वो plural show करने लगता है. Flowers means एक से ज़्यादा flower, and flower means एक flower. तो इसके बारे में भी हमें वन क्लास में पढ़ रहा था कि हाँ, अगर किसी भी वर्ड को हम, अगर कोई वर्ड सिंगुलर फॉर्म में, अगर उसे हम प्लूरल फॉर्म में बदलना, तो उसके लास्ट में हम या तो एस, ई एस, ये सब लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं. नाउ वी हैव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिक्चर इन द बॉक्सेस 1 एंड 2. हियर इज द बॉक्स नंबर 1 एंड हियर इज द, वी हैव बॉक्स नंबर 2. द पिक्चर इन वन बॉक्स हैज वन फ्लावर एंड द पिक्चर इन बॉक्स 2 हैज मोर, टू और मोर फ्लावर्स. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक फ्लावर है, एंड दूसरे पिक्चर में एक दो, वी कैन ड्रॉ वन मोर, दो या दो से ज्यादा है. ओके, सो व्हेन अ नाउन नेम्स वन थिंग, इट इज द सिंगुलर नंबर. जब भी नाउन, जब भी कोई संज्ञा एक फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर. जिसे कि हिंदी में हम एकवचन और बहुवचन बोलते हैं. जब भी कोई संज्ञा एक फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, तो वो क्या कहलाती है, सिंगुलर नंबर. लुक, यहाँ पर एक फ्लावर है, ये फूल क्या है, कॉमन नाउन है. ये फूल क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ. ठीक, तो सिंगुलर नंबर हुआ, ये एक फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो हमारे पास नाउन है वो एक से ज्यादा फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर. सो सिंगुलर नंबर क्या है, व्हेनेवर वी स्पीक और व्हेन अ नाउन नेम्स वन थिंग, इट इज इन द सिंगुलर नंबर. जब भी कोई संज्ञा, जब भी कोई नाउन वन फॉर्म में होती है, एक फॉर्म में होती है, तो वो सिंगुलर नंबर कहलाती है. और जब भी कोई नाउन एक से ज्यादा, एक, दो, दो या दो से ज्यादा हो गई, तो वो प्लूरल नंबर कहलाती है. व्हेन अ नाउन नेम्स मोर देन वन थिंग, इट इज इन द प्लूरल नंबर. जब भी कोई संज्ञा एक से ज्यादा हो गई तो वो प्लूरल नंबर, एक हो गई तो वो सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन, एंड प्लूरल नंबर को ही हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, जब हम हिंदी में वचन बन रहे होते हैं. नाउ हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स. लुक, सी, आई विल राइट हियर सिंगुलर C.
singular number. Plural number. Okay. So in a singular number we have book, girl, friend, boy. So singular number. What is singular number? When a noun is in a form, in a singular form, in a one form, it is singular number. जब भी कोई संज्ञा वन एक फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी, उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे. और जब भी कोई संज्ञा प्लूरल फॉर्म में होगी, यानी इससे ज्यादा होगी, उसे प्लूरल नंबर कहेंगे. यहाँ पे इतना क्लियर हो गया. बुक, बुक मीन्स ए किताब. यहाँ पे क्या शुरू कर रहा है? बुक, बुक मीन्स ए किताब. बट वेन एवर वी राइट बुक्स, व्हाट बुक्स? सो बुक्स मीन्स क्या हो गया? किताबें. It means we have books in a more than one form. What? In a more than one form. Book, kitab, books, kitab. Girl, ladki, girls, ladkiyan. Friend, dost. Friends, friends, mitre. मतलब हमारे क्या हो गया? फ्रेंड मतलब एक दोस्त, फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा दोस्त. बॉय लड़का, बॉयज लड़के. ना सिंगुलर नंबर में कौन सी चीज आती है? जो चीज एक होती है. और प्लूरल नंबर में जो चीज एक से ज्यादा होती है. बस अब हम ये जानेंगे कि कैसे किस वर्ड को हम एक से ज्यादा फॉर्म में बदल सकते हैं. तो यहाँ पे जानेंगे, अगर बुक है तो उसको बदलना प्लूरल फॉर्म में, तो एस लगा रहे हैं. गर्ल एस, फ्रेंड्स एस, बॉयज एस. लास्ट में एस लगा दिए, वो प्लूरल फॉर्म में बदल गया. बट हमेशा हर किसी के वर्ड के लास्ट में हम एस का यूज नहीं करते. कभी कभी हम क्या यूज करते हैं? ई एस, वी ई एस. लाइक दिस वी हैव सो मैनी थिंग्स टू कन्वर्ट एनी सिंगुलर नंबर इनटू अ प्लूरल फॉर्म. नाउ मोस्ट नाउंस चेंजेस टू प्लूरल बाय एडिंग एस and to the noun is singular number. For example, so बहुत सारे nouns को हम change करते हैं, बहुत सारे हम singular nouns को, singular number को change करेंगे क्या करते हैं? उसके last में s लगा देते हैं. जैसे कि यहाँ पे जितने ये जो चार word थे, सबको plural form में बदलने के लिए हमने क्या किया? सबके last में s लगा दिया और वो plural number में change हो गए. ये mostly cases में होता है. But कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम कुछ और लगाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू सम एग्जांपल्स फॉर द एस सेक्शन. कौन कौन से वर्ड में हम एस लगाते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स के फॉर्म में हम अदर चीजों का भी यूज करते हैं उसको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए. नाउ बी आई विल डू द क्वेश्चन नंबर बी फ्रॉम द पेज नंबर 16 फॉर यू गाइज. ओके, in the B we have add S to the form to form the plural number of these nouns. Here we have total four words. First word is cat. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए, जो चार वर्ड हैं, cat, bear, lamb, pen, इन सब को S लगाकर इनको plural form में बदलना है. Cat means एक बिल्ली, cats बिल्लियाँ, bear एक थैला, bags थैले, यानी एक से ज़्यादा है वहाँ पे. lamp, I don't know the Hindi, lantern, okay. तो यहाँ पे lamp क्या हो गया? एक lantern, और lamps हो गया यानी एक से ज़्यादा lantern. pen, कलम, pens, कलम. तो यहाँ पे हमने B number को ऐसे ही बनाना है. तो what you have to do, you guys have to do this B number in your book, okay. And now I will do the let's crack it section for you guys. Circle the nouns of plural number. So here we have a line. Here we have a small paragraph. In this we have some total 6 lines, and we have to, what we have to do, we have to circle the plural forms or plural number in these sentences. So here we have this is
my bag. This is my bag. I have books in my bag. I also have a lunch box. I also have a lunch box. There are sweets in it. In my bag there are crayons and pencils too. In my bag there are crayons and pencils too. So this is all we have in this paragraph section. Okay?